कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन पर हमेशा रहस्य का कफन लिपटा होता है, और ऐसी ही एक मौत थी देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। आज 2 अक्टूबर यानी लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती है, और इसीलिए आज हम उनकी जीवन के कुछ रहस्यों के बारे में भी बात कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री, यूं तो भारत में उन्होंने 19 महीने ही वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, लेकिन इन 19 महीनों में ही उन्होंने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया था, और जय जवान जय किसान के नारे के साथ उन्होंने पाकिस्तान के अहंकार और भ्रम को दूर कर दिया था, तोड़ दिया था, और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत की शक्ति क्या है मात्र 19 महीनों के कार्यकाल में ही। वे कद में तो काफ़ी छोटे थे, लेकिन उनकी आवाज़ बेहद ही नम्र और सौम्य थी। उनका कद भले ही छोटा था, लेकिन उनके इरादे और काम करने की जो तरीका था वो फौलादी था। 1965 के युद्ध के दौरान भी, उन्होंने जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब पाकिस्तान के जनरल अयूब खान को अपने कदमों में झुकाकर ये जता दिया था कि उनका कद कितना बड़ा है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1901 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 11 किलोमीटर दूर मुगल सराय में हुआ था। उनका जो जीवन था वो बेहद ही गरीबी में बीता था, आर्थिक तंगी से वे हमेशा जूझते रहे। यूं तो वे रेल मंत्री के पद पर भी रहे, गृह मंत्री के पद पर भी रहे और प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन फिर भी उनका जीवन आर्थिक संकटों से भरा हुआ था। 1942 में आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी बेटी की मौत केवल टाइफाइड से हो गई थी, क्योंकि उस वक्त उनके पास अपनी बेटी का इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे। 1960 में जब देश में भयानक महंगाई का दौर चल रहा था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री केवल एक समय ही भोजन करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस दौरान अपनी मनपसंद आलू की सब्जी थी वो खाना भी उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त बेहद महंगाई हो गई थी और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी मनपसंद सब्जी खरीद कर रोज़ खा सकें, और दो वक्त के भोजन से का भी वो गुजारा नहीं कर पा रहे थे, और इसीलिए उन्होंने एक समय ही भोजन करके अपना गुजारा करना शुरू किया था। इसके साथ ही जब देश के गृह मंत्री रहते हुए भी उनका जो जीवन था वो बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था। इस दौरान भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे, और इसी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उन्होंने एक अखबार में लेख लिखना शुरू किया था। रेल मंत्री जब वो थे, तब एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी, हालांकि इसमें लाल बहादुर शास्त्री की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पूरी दुर्घटना का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने इस दौरान मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। एक बार उनके बेटे के बारे में उन्हें पता चला कि उनके बेटे के कुछ व्यापारिक संबंध हैं। इस दौरान जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्हें बेहद दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से निकाला था और किसी व्यापार में भी वे शामिल नहीं होते थे, ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को व्यापारिक संबंधों में हिस्सा लेने देते थे। लेकिन जब उन्हें अपने बेटे के व्यापारिक संबंधों के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, और उन्होंने यहाँ तक कि अपने बेटे को घर से ही निकाल दिया। जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब लाल बहादुर का कद काफ़ी छोटा था, और लोगों को लगता था कि इनका कद छोटा है, इनके इरादे भी छोटे हैं और ये बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने जो आदेश दिया उसे सुनकर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि उन्होंने सेना को ऐसा आदेश दिया था कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारने का आदेश दे दिया था, और उनके इसी आदेश के बाद भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था, और उस दौरान भारत को इसीलिए जीत भी मिलती जा रही थी और पाकिस्तान भी समझौते के लिए तैयार हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद में थे, उस दौरान जब भारत पाकिस्तान समझौता होना था, रूस ने इसमें दखल अंदाजी की थी, समझौता कराने की पेशकश की थी, और उन्हें जो लाल बहादुर शास्त्री को उस वक्त रूस के ताशकंद बुलाया गया था, वे गए वहाँ पर और
समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इस समझौते के दौरान भी लाल बहादुर शास्त्री को कई बातों का बुरा लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तान का जो जनरल अयूब खान थे राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा था कि भारत ने इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के जिन भी हिस्सों पर कब्जा किया है, पाकिस्तान के उन हिस्सों को भारत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री इस पर मान रही नहीं रहे थे, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद वे सहमत हुए और समझौते पर हस्ताक्षर उन्होंने किए। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद रात में वहाँ पर ताशकंद में एक पार्टी रखी गई, उस पार्टी में लाल बहादुर शास्त्री भी शामिल हुए और उस दौरान उन्होंने ज़्यादा भोजन नहीं किया था, केवल उन्होंने पालक की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी जो उनकी मनपसंद थी वो उन्होंने खाई और फिर इसके बाद वे रात 11 बजे अपने कमरे में चले गए। इसके बाद उन्होंने अपनी बेटी से बात की और उनसे पूछा कि क्या इस समझौते के बाद तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, तो उन्होंने भी इससे मना कर दिया। उनकी बेटी ने कहा कि नहीं, हमें इससे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद अपनी पत्नी ललिता से उन्होंने बात करनी चाही तो बेटी कुसुम ने कह दिया कि वो फ़ोन पर नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि वे भी काफ़ी दुखी इस वक्त नज़र आ रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने फ़ोन रखा और कुछ देर के बाद उनके जो निजी सेवक थे उन्होंने उन्हें दूध दिया। थोड़ी देर के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने पानी मांगा तो जो उनके निजी सेवक थे उन्होंने पानी दिया और फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अपने निजी सेवक को कमरे में जाने के लिए कह दिया। वो कमरे में गया और फिर जब रात के 1:30 बज रहे थे, ये रूस का टाइम है, उस वक्त भारतीय जो समय था वो रात के 2 बजे का था, रात के 2 बजे लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। कई लोगों का ये मानना था कि उन्हें शायद दिल का दौरा पड़ा है, क्योंकि उन्हें 2 बार पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है, लेकिन देश के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री का शरीर भारत आया था तब उनका शरीर पूरी तरह से नीला था। यहाँ तक कि जो लाल बहादुर शास्त्री के जो प्रेस सलाहकार थे, वरिष्ठ पत्रकार भी वे थे, कुलदीप नैयर, उन्होंने अपनी आत्मकथा बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा कि जब उनका शरीर, जब उनकी बॉडी को भारत लाया गया तब उनका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था और उनकी पत्नी ने भी इसके बारे में कुलदीप नैयर से पूछा था। तब कुलदीप नैयर ने उन्हें जवाब दिया कि शायद शरीर पर लेप लगाने की वजह से शरीर नीला पड़ गया था, लेकिन कुलदीप नैयर ने यह भी कहा कि मैं उनकी बात से हैरान था, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कहा कि उनके शरीर पर चीर के निशान थे, कट्स लगे हुए थे काफ़ी सारे, और ना तो ताशकंद में और ना ही दिल्ली में उनका पोस्टमार्टम किया गया, बिना पोस्टमार्टम करे ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मौत इतने सालों के बाद भी रहस्यमय ही बनी हुई है। जब उनकी मौत हुई तो उस समय 1965 का वो वक्त था जब युद्ध के बाद पाकिस्तान को अपनी फौलादी इरादों से करारा जवाब देने वाले शास्त्री जी की ताकत और कद दुनिया में कई गुना बढ़ चुका था और उनकी इस कामों से कई लोग हैरान भी थे और काफ़ी लोग उनसे जलन वाली भावना भी रखते थे, क्योंकि एक बार जब पाकिस्तान के जनरल अयूब खान उनसे बात करने आए थे तब उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कह दिया था कि जिसके पास जिस्मानी कद ही ना हो उससे मैं बात कैसे करूं, लेकिन जब युद्ध हुआ तब शास्त्री जी ने अपने फौलादी इरादों से ये जता दिया था कि उनका कद सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा है। इन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शास्त्री जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत होना आज भी रहस्य ही बनी हुई है। गांधी जी ने हमेशा हिंसा का विरोध किया और इसीलिए भारत भी अहिंसा के मार्ग पर चलता रहा है, लेकिन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में शामिल होने के लिए हर देश को अपनी सेना का दम दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आपके पास आत्मरक्षा के लिए हथियार नहीं है तो आपको हर कोई आंख दिखाता ही रहेगा। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।